नेक्स्ट बच्चे सब नंबर टू, किरण डिपॉजिट रुपीज 6,000 इन बैंक एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच डिड शी गेट बैक आफ्टर 3 ईयर? कि किरण ने 6,000 डिपॉजिट करवाए, ठीक है, 12% पर एनम पे, तो 3 ईयर के बाद उसको कितना जो है रिटर्न मिलेगा, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। अब आप देखो इसको भी मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड से ही करवाया है। 1 ईयर के प्रिंसिपल दिया है 6,000, रेट दिया है 12,000, टाइम दिया है 3 ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इज 6,000, इंटरेस्ट फाइंड कर लिया PRT/100 का फॉर्मूला लगा के, टाइम आपने इसमें 1 ईयर लेना है। तो पहले साल में जो आपका इंटरेस्ट आया वो आया 720। अब नेक्स्ट ईयर में ये इसमें ऐड हो जाएगा तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बन गया आपका 6720। अब आप इस पे इंटरेस्ट निकालोगे तो यू विल गेट रुपीज़ 806.4। अगेन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हुआ, ये वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो गया तो आपकी अमाउंट बढ़ के हो गई 7526.4। आफ्टर डैट हम अमाउंट थर्ड ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे अगेन, तो आपके पास 903.168 आ गया। तो टोटल अमाउंट आपने थर्ड ईयर में निकालना है, प्रिंसिपल और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो वी गेट द अमाउंट। इसको आप फॉर्मूले वाले मेथड से खुद ट्राई करके देखोगे, ठीक है। तो ईयर बाय ईयर वाले हमने कर लिए, अभी तक हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो एनुअली कर रहे हैं, आगे जो कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम वो आएंगे हाफ ईयरली और क्वार्टरली के। एक सम इसका थर्ड और देखिए जिसमें आपको दोनों में डिफरेंस समझ आएगी। सम नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 8,000 फॉर 3 ईयर एट 15% पर एनम। अब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। अब आप देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, हमें प्रिंसिपल दिया है 8,000, रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, P×R×T/100, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा रुपीज़ 3600। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, मैंने ईयर बाय ईयर का नहीं लगाया, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो। अमाउंट इज़ P×1+R/100⁻³। वैल्यूज फिल कर दी, रिड्यूस किया मैंने, मेरे पास आ गया 8,000×1+3/20। एलसीएम ले लिया तो इट बिकम 23/20। आफ्टर डैट इसको 3 times 3 power है तो ओपन कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द अमाउंट रुपीज़ 12,167। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल सेम रहता है, तो आपका 3600 लगा, सॉरी 3600 इंटरेस्ट आया। लेकिन वही अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो आपका इंटरेस्ट देखो कितना आया 4,167। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना था तो हमने लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वी गेट रुपीज़ 567 एज अ डिफरेंस। तो आज हमने एनुअली के किए, अब नेक्स्ट टाइम हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।